द पाम्स काउंटी एट अरुटला इब्राहिमपट्टनम। 5 घंटे का फार्म हाउस सिर्फ 49 लाख में, 10 घंटे का फार्म हाउस सिर्फ 79 लाख में। अभी रख पैदा करें। द पाम्स काउंटी, चंपा स्टेट्स, तिलक रोड, हैबिट्स, हैदराबाद। टीआरएस की हुकूमत पे एक ज़ईफ़ भाई को जो है सो 2000 रुपए पेंशन दिया जा रहा है, जो घर में सिर्फ एक फर्द को मिल सकता। अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो यही पेंशन 2000 से 4000 कर दिया जाएगा। और अगर आपके घर में दो ज़ईफ़ है तो दोनों ज़ईफ़ को 4000 पेंशन मिलेगा, यानी कि 8000। अगर आपके घर में 3 ज़ईफ़ है तो उनको वही पेंशन 4-4-4 करके 12000 पेंशन मिलेगा। तो भाई वक्त की बिल्कुल किल्लत है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 30 तारीख के दिन मेरी माँ और बहनों, घर में इसको छुट्टी का दिन मत समझो, घर के बाहर निकलो, फजर की नमाज पढ़ो, अपने शोरों को उठाओ और वोट देने के लिए बाहर निकलो। आपसे गुजारिश है कि मुजीबुल्ला शरीफ साहब को कांग्रेस से वोट दीजिए। और कामयाब डर दिखा रहा है, अगर तुम उतने ही हिंदू मुसलमान होते आज चार मीनार के पास इतनी बड़ी मंदिर जो है ना नहीं कायम होती, और तुम जो है ना किशन रेड्डी के जलसों की इजाजत देते, लेकिन कांग्रेस पार्टी चार मीनार के पास ठहर के एक झंडा लहराने की परमिशन लिए तो तुम परमिशन नहीं दे सकते। आज इतने डरे हुए और घबराए हुए आप लोग हैं। कांग्रेस की ये जो लहर मुजीब साहब ने चार मीनार के दामन से शुरुआत की है, ये जो सुनामी, ये जो लहर और ये जो समंदर सरों का जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की जो लहर जारी हुई है, इसके जिम्मेदार हमारे मुजीबुल्ला शरीफ साहब हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है 30 तारीख के दिन सुबह के अव्वलीन सादों में मुजीबुल्ला शरीफ साहब को वोट देके उनके हाथ को मजबूत करें और भारी अक्सरियत से मुजीबुल्ला शरीफ साहब को कामयाब करें। कौन पूछेगा वो बेवा को, क्या सदुद्दीन अवैसी कभी आपने उनके राशन के लिए पूछा? आप तो शहर के अमीर है ना, कोई बीमार को आपने पूछा? आज मैक लेके गली गली घूम रहे, अम्मा वोट देना, खाला माँ, चची माँ, फुप्पा, पूरे रिश्ते याद आ रहे। अब खाली बाबा बोलना बाकी रह गया किसी को, पूरे महल्ले में फिर रहे। लेकिन कहीं पूछे आप कि तुम्हारे घर में राशन है क्या, तुम्हारे घर में कोई बीमार है क्या, तुम्हारे घर में कोई कैंसर पेशेंट है क्या? हर 10 घर में कैंसर पेशेंट है, हर 20 घर के अंदर एक किडनी डायलिसिस पेशेंट है। पूछे कभी? कभी नहीं पूछे। पैसे जमा करके, दौलत जमा करके रख लिए, किसके पास ये दौलत रही जो तुम्हारे पास रहेगी? एक दिन ये सब चले जाएगा। निज़ाम की हुकूमत नहीं रही, मुग़ल सल्तनत नहीं रही, बड़े बड़े बादशाह, राजा, महाराजा नहीं रहे, तो तुम्हारी क्या औकात है असदुद्दीन अकबरुद्दीन? तुम भी एक दिन ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारा नाम भी नहीं रहेगा ये दुनिया में। जो कौम के लिए कुछ करो, लेकिन कौम से भीख मांग के वोट लेना, आखिर कब तक भीख मांगेंगे? इलेक्शन के आखिरी वक्त में, अब इलेक्शन के आखिरी वक्त में आते हैं, आके कहते हैं अजमेर शरीफ के गरीब नवाज के नाम पे वोट दो, बाबा शरफुद्दीन साहब के नाम पे वोट दो, यीशु बाबा के नाम पे वोट दो। रोते आके खिलवत में खड़े के दोनों भाई, बुरे बुरे सुरता बना के रोते। रोते कहीं कोई है? अगर तुम अच्छा काम करे तो ये रोने की जरूरत कहीं को पड़ती तुमको? आखिरी दिन ये जलसों में रोने का ड्रामा क्यों? अगर आप एक्चुअली मुसलमानों का काम करें तो आपको घर में बैठ जाओ, मुसलमान कामयाब कर देते कि भाई 5 साल काम करते, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हिंदुस्तान में, उनका नाम था बन्नाथ वाला साहब केरला में, बहुत ईमानदार आदमी थे, 5 साल अवाम की खिदमत करते थे, इलेक्शन आ गया नॉमिनेशन डाल के आके घर में बैठ जाते थे, बोलते थे अब तुम लोगों का काम है मेरे को जिताना या हराना, मैं 5 साल आपका काम किया, मैं निकल के कोई कैनवेजिंग नहीं करूँगा, अब तुम लोग वोट डाल लो, मेरे को जिता लो। पब्लिक खुद निकलती थी, जीतने के बाद उनके घर पे आके बोलते थे आप जीत गए, चल के सर्टिफिकेट ले लो। ये होता लीडर, ये होता लीडर, ये नहीं होता
गली गली सलामा मार लेते फिर रहे, पानी पी रहे, परेशान है। कहीं मुजीबुल्ला शरीफ निकल जाते क्या? निकल जाते लहर है ये कांग्रेस की। पाशा पानी जब तेल रहा था ना, बड़े बड़े निकल जाते। अब हम देख रहे हैं किसको ला के देते टिकट, एक गेंडे को ला के दिए। कौन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का हीरो है वो चुराना है, लेके आए चलना भी नहीं आ रहा। क्या है बोले इनको वोट दे। हम बोले कौन है जरा खरीद जाके देखे चार मीनार हल्के से, ये कौन कैंडिडेट है मजलिस का? तो लोग बोले चार मीनार बैंक को डुबा दिया था वो नीचे खबरस्तान के पेपर आ रख के 9 करोड़ रुपए ले लिया था, 3 महीने जेल को भी जाके आया। अब अगर उन्हें जीत गया तो चार मीनार बेच के खा जाता। कब भी बोलना ही वो चार मीनार था नहीं, वो काम गया की माटी मिला बेच के खा गया। ये नौबत आने वाली है। सिर्फ ख्वाबों से नहीं घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी एट अरुटला इब्राहिमपट्टनम, हैदराबाद इब्राहिमपट्टनम मेन रोड की शानदार लोकेशन, आउटर रिंग रोड से 20 मिनट की दूरी पर, पुरफिजा सरसब्जो शादाब और बेमिसाल। फैमिली के लिए आला तरीन रिहाइश और मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सरमायाकारी, छोटी इन्वेस्टमेंट बड़ा मुनाफा, 30 एकड़ पर मुश्तमिल 100 से ज्यादा फार्म हाउसेस का मंसूबा, गेटेड कम्युनिटी, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बास्केटबॉल, 24/7 सिक्योरिटी। 5 घंटे का फार्म हाउस सिर्फ 49 लाख में, 10 घंटे का फार्म हाउस सिर्फ 79 लाख में। तरक्याती काम तेजी से जारी, तो कीजिए आज ही समझदारी का फैसला, अभी रब पैदा करें। द पाम्स काउंटी, चंपा स्टेट्स, तिलक रोड, हैबिट्स, हैदराबाद।